से पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड बनी थी वो कितनी थी बेटा, दैट इज म्यू नॉट एन आई. ओके, व्हाट इज दिस म्यू नॉट? दैट इज परमियाबिलिटी. व्हाट इज दिस एस? एम, नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट. व्हाट इज दिस आई? दैट इज टोटल करंट. ओके, अब इस चीज को मतलब अगर वो फाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट हो और इनफाइनाइट होगी तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, उस तरह से हम लोग उसके केसेस देखें. अब देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज नोन एज टोरॉइड. क्या देखा हम लोग, देखना आपको टोरॉइड. टोरॉइड होता क्या है सर? तो टोरॉइड कुछ अलग चीज नहीं है, टोरॉइड होता है वही सोलेनाइड. जो सोलेनाइड आपको दिख रहा है, उस सोलेनाइड को हम लोगों ने क्या किया बेटा, बेंड करवाया. सो दिस सोलेनाइड इज बोन टू बी बेंड टू फॉर्म ए टोरॉइड. क्लियर? तो अगर आपके सोलेनाइड को आपने बेंड करवाया, उसी तरह से आपने क्या लिया बेटा, इसमें टर्न्स लिए किसके, दैट इज इंसुलेटेड कॉपर वायर के, मान के चलो उसमें से क्या भेजा हम लोगों ने, करंट भेजा. तो उसके एक्सियल पोजीशन पे हमको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी. तो इसके एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक कितनी बनी थी हमारी, दैट इज म्यू नॉट एन आई. अरे हाँ या ना? अब इसके एक्सियल पोजीशन पे देखना हम लोगों को. क्लियर है? तो हम लोगों ने टोरॉइड को बेंड किया, इस तरह से फॉर्म करवाया. तो हम लोग एक काम करेंगे, देखिए बच्चों कि ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, गोल घूम के फिर अंदर जा रही है. अब देखो ये देखो दूसरा वाला टर्म, दिस इज करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से एक्सियल पोजीशन पे क्या करते जाएंगी, गोल घूमेगी. बराबर है? तो ये सिंगल लाइन से यहां पे शो कर रहा है कि यहां पे कंजेशन ना दिखे. क्लियर? तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनेगी. और मान के चलिए कि यहां से लेके इसके इस तरह से हम लोग लेंगे इसका रेडियस, दैट इज कैपिटल आर. व्हाट इज दिस कैपिटल आर बेटा? किसका रेडियस है ये? हमारे सेंटर से लेके उसके कोर के, कोर मतलब कौन सा, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है उसके सेंटर तक जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, दैट इज कैपिटल आर, इज रेडियस ऑफ द टोरॉइड. और याद रखिएगा बेटा कि ये आपको जो टोरॉइड दिख रहा है, इसका इंटरनल मतलब कोर का रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर. तो एक एजम्पशन यहां पे याद रखना है, कौन सी चीज, दैट कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर. इसका मतलब ये कि ये जो आपको टोरॉइड दिख रहा है, ये इतना फाइन बोर है, बोर इन द सेंस बहुत छोटे रेडियस का, इसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, टोरॉइड के रेडियस के कंपेयर में स्मॉल आर की वैल्यू कैसे मानी जाएंगी, बहुत छोटी. तो अब हालांकि आपको पता है कि अगर मैंने सोलेनाइड के लिए फॉर्मूला बनाया म्यू नॉट एन आई, तो ऑब्वियसली बात है उसको अगर मैंने क्या किया, फुल करवाया, तो मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल एन बेटा, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट. अगर ये सोलेनाइड होता तो हम लोगों ने लेंथ कितना लिया हुआ करता था, कितने लिए था हम लोगों ने, एल. तो अगर उसी सोलेनाइड को अगर मैंने बेंड करवाया तो किसका, किसके लेंथ के बराबर होगा, उसकी लेंथ इसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगी. तो मुझे बताइए स्मॉल एन की वैल्यू क्या, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. यूनिट लेंथ कितनी मानी जाएगी, टोटल लेंथ उसकी कितनी, दैट इज 2πr. तो जिस जहां पे आपका स्मॉल आर एन दिख रहा है, उस चीज पे हम लोग क्या पुटअप करेंगे, एन बाय 2πr. अब मुझे बताइए अगर मैंने एक सोलेनाइड लिया जिसका लेंथ मैंने बोला एल, तो उसका स्मॉल एन कैसे निकालोगे, कैपिटल एन बाय एल. और वही अगर टोरॉइड में कन्वर्ट हो गया तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो गई, एन बाय 2πr. तो फॉर्मूला हमारा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड फॉर टोरॉइड इज इक्वल टू कितना बनेगा, दैट इज म्यू नॉट कैपिटल एन बाय 2πr इनटू आर. तो फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है बेटा, फॉर्मूला वही है, बस उसमें याद रखना है स्मॉल एन इज डिफरेंट, दैट इज कैपिटल एन बाय एल. और इसमें जो रहेगा, व्हाट इज दिस, स्मॉल एन क्या रहेगा, कैपिटल एन बाय 2πr. बस समझ में. लेकिन याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके आउटर साइड में जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, देखो जैसे कि मान के चलो ये हमारा क्या है, टर्न, ये रहा करंट, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड. तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से कहां पे जा रही, इस तरह से गोल होगी. लेकिन ये अगर मैं यहां पे लिखता हूं, देखो यहां पे आपका करंट कहां पे जा रहा है, अंदर, और इधर से गोल होकर कहां पे आ रहा है, बाहर. तो ये रहा करंट, सॉरी ये रहा आपका करंट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर के मैग्नेटिक फील्ड कैसी, ऐसी. यहां पे कैसे बटा, कैसे रहेगी, बाहर आ रहा ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसी. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में हम लोग लेते हैं वो कैसे रहेगी, जीरो रहेगी या निग्लिजिबल रहेगी, निग्लिजिबल बहुत कम होता है. यहां पे अंदर एक्सियल पोजीशन पर उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कंसिडरेबल मानी जाती है, जो हम लोग निकालते हैं ये फॉर्मूले से या फिर ये फॉर्मूले से. लेकिन इसके आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड याद रखना, जीरो नहीं होती, हो कितनी होती है, निग्लिजिबल, बहुत उसकी वैल्यू कम होती है.
लेकिन अगर मैंने यहां पे पूछा क्वेश्चन कि व्हाट इफ स्मॉल आर इज कंसिडरेबल, मतलब आपका यहां का कोर का रेडियस अगर कंसिडरेबल हो, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कंसिडरेबल, अच्छा खासा पाइप हो बड़ा वाला, तो आप इमेजिन करिए यहां पे देखो एक डायग्राम निकाली मैंने, तो यहां पे ये कौन सा रेडियस बनाएगा, इनर रेडियस, और ये वाला क्या बनाएगा, आउटर रेडियस, बराबर है। तो आउटर रेडियस बड़ा है, इनर रेडियस छोटा, मतलब बड़ा वाला सर्कल बन गया है, अंदर का छोटा सर्कल बन गया। जब आप टर्न्स लोगे तो एक आपको चीज दिखाई देगी बेटा कौन सी वाली, कि यहां पे जो टर्न्स दिखाई दे रहे ये वाले पॉइंट्स ये कैसे दिखाई देंगे पास में, और ये वाले पॉइंट्स कैसे दिखाई देंगे दूर दूर, क्योंकि आपको क्या करना है टर्न्स लेना है। अरे हाँ या ना, इवन तो सारे के सारे टर्न्स यहां पे एकदम क्लोजली बाउंड होंगे, लेकिन उतना ही क्लोजली यहां पे बाउंड होंगे क्या, नहीं होंगे। तो यहां पे सारे के सारे वायर की डेंसिटी कैसी मानी जाएंगी, ज्यादा, और यहां पे डेंसिटी कैसी होंगी वायर की, कम। अगर ऐसे माने जाएंगे तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, देखो दैट इज करंट मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेंगी इस तरह से पास में, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे क्या होते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होते जाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर स्मॉल आर कंसिडरेबल हो, मतलब पाइप जो आपने लिया वो अगर बड़े रेडियस का हो, तो यहां इस पोजिशन पे मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं मानता हूं बी वन, और यहां पे मैं मानूंगा कौन सा, बोलो अंदर ये लेकिन दैट इज बी टू, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, बी वन इज ग्रेटर देन बी टू, लेकिन इसमें वैसा होगा क्या, क्योंकि आपके ये जो रेडियस है ये कैसा माना गया है, बहुत छोटा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जो डेंसिटी दिखेगी किसकी वाइंडिंग की, वो अल्टीमेटली कैसे होंगी, ऑलमोस्ट सेम ही मानी जाएंगी, लेकिन यहाँ पे वैसा चीज नहीं होगी। तो आपको ये जो कंसेप्ट है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा होता है इनसाइड में, ये भी चीज याद रखनी है। तो जैसे जैसे आप आउटर रेडियस से इनर रेडियस की तरफ बढ़ते हो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगी। ये कंसेप्ट समझ में आया? तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए इस टोरॉइड में एक्सेल पोजीशन पे पूरे सर्कमफेरेंस पे आपका पूरा एक्सेल पोजीशन पे इनर रेडियस से आउटर रेडियस मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहती है क्या, तो आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए। पहली चीज उसने मेंशन करना चाहिए कि आपका रेडियस कंसिडरेबल है या नहीं है, या फिर ये चीज उसमें दिया होना चाहिए दैट कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, होगा तो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट कैसे रहेगी सेम, अदरवाइज वो वेरी करते जाएंगे। समझ पाया? ओके, अब अगला कांसेप्ट है बेटा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग ठीक इनफाइनाइट शीट। बहुत जबरदस्त कांसेप्ट है, देखिए इसको, उसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन भी लेंगे, क्लियर। तो एक हम लोगों ने लिया एक मान के चलो मेटल की शीट, कैसी शीट है ये, थिन शीट है, क्लियर। उस पूरे थिन शीट से करंट फ्लो हो रहा है, तो इस तरह से मैंने करंट का, देखो करंट अगर यहां पे मैंने दिया है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में या फिर विड्थ में, मैंने करंट को यहां पे शो किया, इसका मतलब क्रॉस का इंडिकेट करता है करंट अंदर जा रही है, तो ये सारी करंट कौन से डायरेक्शन पे फ्लो हो रही है, इस साइड में फ्लो हो रही है। हाँ या ना, अगर ये करंट इस साइड में फ्लो हुई है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज शीट कैसी बेटा, तो इस साइड में वो बढ़ती जाएंगी, इस साइड में बढ़ेगी पूरे साइज में, जैसी है वो पूरी फैली हुई है दोनों भी साइड, मतलब ऐसे भी फैली हुई है ऐसे भी फैली हुई, क्लियर। अब देखिएगा अगर ये आपका करंट की डायरेक्शन है बेटा, बराबर, तो आप अच्छे से देखिए, मैं यहां पे उस शीट को पकड़ के इसको इस तरह से रखा, तो करंट अगर मान के चलो अंदर जा रहा होगा, करंट आपका अंदर जा रहा होगा, तो मुझे बताइए आपका ऊपर वाले साइड में, इसको मैं कंसीडर करके चलता हूं, दिस इज करंट, व्हाट इज दिस, इज मैग्नेटिक फील्ड, इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, और नीचे वाले में देखिए कैसा होगा, दिस इज करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी ऐसे, क्लियर है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड गोल घूमने वाली है, बराबर है, इसके वजह से, इसको मैं जो टिक कर रहा हूं इसके वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड गोल घूमेगी इस तरह से, लेकिन साइड वाला जो आपको दिख रहा है, जो मैंने आपको यहां पे क्रॉस लिख के दिया, इसको मैं फिर से डॉट कर रहा हूं साइड वाले को, ये आपका करंट, व्हाट इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली क्या करेगा, उसको क्रॉस कर लेगा, तो इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वर्टिकल सेक्शन में वो क्या हो जाएगी, कैंसल आउट। तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं दिस इज करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, नीचे में देखिए व्हाट इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड, साइड वाला भी क्या करेगा, दिस इज करंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाएगा, दिस इज करंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाएगा,
इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से बेटा, तो मुझे बताओ कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर वाले साइड में कैसे दिख रही है, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जाएंगी बराबर, सारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाएंगी और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आएंगी। इसका मतलब अगर थीन इनफाइनाइट शीट हो तो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिख रहे हैं आपको, यूनिफॉर्म दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? ऊपर वाले साइड में और नीचे वाले साइड में। हालांकि ये बात अलग है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाएगी, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाएगी। सही में घटेगी या नहीं घटेगी ये भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। उसके लिए क्या हमको चाहिए? कॉन्क्रीट फॉर्मूला चाहिए कि सही में घटती है या नहीं घटती है। बस समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं? अगर आपकी शीट इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी है, तो सही में आपका ऊपर जाने और नीचे जाने से घटती है नहीं घटती है? क्योंकि अभी तक जितने भी हम लोगों ने कंडक्टर देखा, हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही थी, ठीक है ना? और या तो जो मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेंगी नहीं करेंगे हम लोग चेकआउट करेंगे। तो ये जो आपकी रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? और ऐसे मानेंगे कि यहां से लेके कितने डिस्टेंस पे बेटा, आर डिस्टेंस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। किसकी वजह से? थिन शीट की वजह से। क्लियर है? ओके। अब इतनी बड़ी थिन शीट है, हम लोग ऐसे करके चलेंगे बेटा कि हमारे पास एक रॉड लिया करते थे हम लोग, याद होगा? कौन सी वाली रॉड? इनफाइनाइट रॉड बराबर, या फिर इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला। अगर वो फाइनाइट हुआ करो तो साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू में निकाला, अगर वो इनफाइनाइट हो तो उसकी वैल्यू फाइव वन की वैल्यू कितनी बनी? 90, फाइव टू की वैल्यू, तो वो बनेगा साइन 90 साइन 90 वन प्लस वन इस टू, और फॉर्मूला इसमें कटपुट होके क्या मिला था हम लोगों को? ये बना था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से जो बी मिला वो बना था म्यू नॉट बाय ट्वाइस बाय करंट जो फ्लो हुआ था आई डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज एक्स लिया करते थे हम लोग बराबर है, कितना एक्स था से कंडक्टर से, और ये शेप इस तरह से था बेटा, ये करंट ऐसा जा रहा था बराबर, और ये आप लोगों ने लिया तो उतना कौन सा एक्स, और ये था हमारा डिस्टेंस, और यहां पे हम लोगों ने छोटा सा डीएल लिया बराबर है। अब इसको थोड़ा सा मैं टेढ़े में कर लेता हूं और ये बन गया आपका कौन बोलो, व्हाट इज दिस इज आर, ये छोटा सा सेक्शन लिया था हम लोगों ने कौन सा बेटा डीएल, और यहां से लेके ये कितना लिया था हम लोगों ने एल, और यहां से ये डिस्टेंस लिया था हम लोगों ने कितना, दैट इज ये वाला इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हम लोगों ने लिया था कौन, दैट इज फाइव वन, और ये वाला डिस्टेंस लिया था फाइव टू बराबर। इस तरह से हम लोगों ने एंगल बनाया था बराबर है, और ये डीएल से लेके डिस्टेंस बना था हमारा ये एंगल कितना, दैट इज थीटा। एक तो यहां पे थीटा ले सकते हो, यहां पे थीटा ले सकते हो, अकॉर्डिंग उसके हम लोगों ने डेरिवेशन बनाया बराबर। चलो आगे बढ़ेंगे। अब जैसे हम लोगों ने यहां पे डीएल लिया बेटा, हम लोग एक काम करेंगे यहां पे छोटा सा सेक्शन कट करके क्या लेंगे हम लोग, डीएल लेंगे। क्या लेंगे? डीएल। देखो ध्यान से सुनना, यहां से लेके जहां से हम लोग डिस्टेंस ले रहे आर बेटा, उससे लेके हम लोग ये डिस्टेंस लिए कितना है, डीएल तक का डिस्टेंस इज एल बराबर। डीएल से लेके हम लोग एक लाइन खींच लेंगे यहां तक, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि डीएल से लेके ऑब्जर्विंग पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है। तो ये रहा आपका एल, ये रहा आपका आर, इसको मैं मानता हूं थीटा। अगर ये बेटा थीटा है तो मुझे बताइए पाइथागोरस का इस्तेमाल करके ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बन जाएगा, एम आई राइट? चलो डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी और ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो देखिए आपका इंपॉर्टेंट चीज कि जो डीएल जो है उस डीएल में करंट किधर फ्लो हो रहा है, क्या इस साइड में जा रहा है जैसे कि करंट इधर जा रहा था, करंट इस साइड इसमें कहां पे फ्लो हो रहा है, अंदर जा रहा है ना। अरे ये जो हम लोगों ने लिया बेटा क्या लिया था, ग्रास, तो करंट किधर जा रहा है, करंट जा रहा है अंदर, तो हम लोग कैसे लेंगे, राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे या फिर थंब रूल भी बोल सकते हैं। थंब किसको इंडिकेट करेगा, करंट के डायरेक्शन को। ये सारे फिंगर्स किसको दिखाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को, और जहां पे आपका पाम दिख रहा है वो किसको इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। या फिर ऐसे करो, ये ऐसे करो, ऐसे करो,
तो जिसको जिधर झटका देगा ये वाले पॉइंट को, वो किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का। अरे आया ना। एक तो अगर आपका कंडक्टर सीधा हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो अंदर जा रहा है तो आप लोग सीधा सीधा क्या बोल सा रूल इस्तेमाल करना है, पाम रूल भी इस्तेमाल कर सकते। ये रहा आपका करंट, ये सारे फिंगर्स किसको इंडिकेट कर रहे हैं? डिस्टेंस को। किसको? ये रहा डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस के बाद ये जो पाम इंडिकेट करेगा ये किसका डायरेक्शन होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का। छोटो डीएल से बना, डीएल से जो मैग्नेटिक बनेगी फील्ड वो क्या होगी? डीबी। अरे हाँ या ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, ये एंगल 90 होगा क्या? तो बेटा हाँ। अब ये 90 की होगा याद रखना, हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सी चीज सीखी? डीबी बार इज इक्वल टू, क्रॉस में लिया था हम लोगों ने, याद होगा क्या लिया था? बराबर डीएल बार क्रॉस बराबर। तो एक इसमें क्या लिया था हम लोगों ने? आर्क और डीएल में क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। जिस तरह से क्या बना डीबी, इसका मतलब तीनों भी क्या है? Perpendicular to each other. Sir, यहाँ पे जो आपका distance जो है, that is r square plus a square, क्या ये perpendicular है current को या current element को? तो हाँ बेटा, देखो ध्यान देना, आपका current अंदर जा रहा है, कौन से axis को represent कर रहा है? वो z axis को, बराबर। अब देखो ये वाला आपका रहा कौन? r under root of r square plus a square, ये ऐसे निकाला आप लोगों ने, बराबर है? ये आपका current red pen से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, audio this is करंट डिरेक्शन, मतलब जिधर करंट उधर क्या है? डीएल बार करंट एलिमेंट, याद होगा ये? बताओ क्या ये? अब भले ही मैंने यहां पे इसको डीएल लिखा, आप डीएक्स भी लिख सकते हो, ये डिस्टेंस एक्स लो या अपने डीएक्स लेना है, एक तो वाई लो, ये क्या लेना है? डीवाई लेना है। लेकिन करंट एलिमेंट किधर होगा? अंदर। तो ये रहा आपका करंट एलिमेंट, ये रहा आपका अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बराबर है? आप ऐसे लो तो भी 90, ऐसे लो तो भी 90, ऐसे लो तो भी 90, इसको कैसे भी घुमाओ तो भी 90 एंगल बनाएगा। तो अगर मैंने करंट एलिमेंट और डिस्टेंस में अगर 90 एंगल बनाएंगे हम लोग, तो इससे जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस डिस्टेंस को कितने का एंगल बनाएगी? 90। तो ये जो डीबी बना, ये एंगल कितने का बना है? 90, बराबर। अब देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बची है, अगर ये डीबी बना है तो ये मैं एक लाइन खींच लेता हूं इधर, और इसको ये वाली एक लाइन खींच लेता हूं इधर, दिख रहा है? तो अगर ये आपका बेटा थीटा, ये टोटल कितना, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में एंगल कितना? 90। ये थीटा, तो ये बचा कितना? ये 90 माइनस थीटा। अब देखो ये वाली लाइन और डीबी का एंगल है 90, 90 में से ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? हाँ या ना। तो ये डीबी, ये थीटा, तो उसका थीटा का एडजेशन इज व्हाट? डीबी कॉस ऑफ थीटा, तो उसको परपेंडिकुलर वाला जो बनेगा वो क्या रहेगा? दैट इज डीबी साइन ऑफ थीटा। ये बात समझ में आई? कैसे निकाला हम लोगों ने? बहुत बढ़िया। चलो याद तक अगर आपको समझ में आया तो आप लोगों ने आधा काम तो कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अब हम लोगों को यहां पे जो लिया है बेटा करंट, देखो ध्यान देना, स्ट्रेट कंडक्टर में सिंगल वायर जो हम लोगों की थी उसमें क्या फ्लो हो रहा था? करंट। लेकिन अगर मैं अच्छे से देखता हूं यहां पे डीएल इतने पोर्शन में जो करंट आपका फ्लो होगा वो अलग होगा, मैंने डबल किया डीएल को, अलग होगा, ट्रिपल किया मैंने करंट को, तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका क्या बढ़ रहा है? लेंथ बढ़ रहा है, बराबर है? उसी तरह से ये कंसेप्ट को डेवलप किया गया है या फिर हम लोग करने वाले हैं, जिस तरह से हमारे कौन से सेक्टर में हम लोगों ने देखा? सोलेनोइड में देखा, नंबर ऑफ टर्न्स एम भूमिका नहीं निभाता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसी तरह से एक हम लोग कंसेप्ट डेवलप करेंगे, दैट इज करंट पर यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर करंट डेंसिटी। कौन सी चीज? लीनियर करंट डेंसिटी। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लीनियर करंट डेंसिटी? कि अगर मैं यहां पे लेता हूं आई, व्हाट इज दिस आई? दैट इज डी आई बाय डी एल, बराबर है? कितना बनेगा? डी आई बाय डी एल। व्हाट इज सर डी आई? कि इतने में कितना करंट, कितने में? डी एल लेंथ में इतना करंट। बस समझ में आई? तो आपका करंट व्हाट इज दिस आई, ये क्या बनता है? इसका अगर यूनिट निकाले जाए तो क्या बनेगा? व्हाट इज दिस? एम्पियर पर मीटर।
क्या बना ये एम्पीयर पर मीटर, मतलब यूनिट लेंथ में इतना करंट, समझ में आया। तो मान के चलो मैंने शीट लिया है, एग्जांपल मान के चलो मैंने ऐसे एक लेंथ ली है शीट, बराबर इस शीट में मान के चलो बेटा ये शीट है कितने की, मान के चलो 10 मीटर की, तो इसमें से पूरा करंट फ्लो हो रहा है कितने कितने एम्पीयर का, 10 एम्पीयर का, 10 एम्पीयर का, तो इसका मतलब 1 मीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, बराबर है कितना। तो मान के चलो अगर मैंने शीट को बनाया, मैंने किया शीट को कितना 20 एम्पीयर, 20 मीटर, तो कितना करंट फ्लो होगा 10 मीटर के शीट से, अगर 10 एम्पीयर जा रहा है तो 1 मीटर से कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पीयर। इस शीट का लेंथ मैंने बढ़ाया, मैंने किया 20 मीटर का, तो टोटल करंट कितना फ्लो होगा 20 एम्पीयर का। अरे हाँ ना, 10 मीटर से 10 तो 20 मीटर से 20, तो करंट बढ़ा या घटा, बढ़ गया, आपके लिए तो बढ़ गया। तो क्या सर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है, नहीं, क्योंकि 20 मीटर से 20 एम्पीयर करंट, तो 1 मीटर से कितना रहा अभी 1 एम्पीयर, तो आपने करंट की डेंसिटी बढ़ाई क्या, नहीं। ये बात समझ में आ रही है, तो करंट की डेंसिटी नहीं बढ़ा रहे हो, इसलिए करंट अहम भूमिका निभाता है या करंट डेंसिटी अहम भूमिका निभाएगा, करंट डेंसिटी, एग्जैक्टली। इसलिए हम लोगों ने क्या निकाला DI by DL, बस समझ में आई। अगर आपको टोटल लेंथ पता हो तो टोटल लेंथ लिखो, टोटल करंट लिख लो, आपको क्या मिलेगा करंट डेंसिटी। तो ये आई आई नहीं है, ये आई क्या है करंट डेंसिटी, कौन सी करंट डेंसिटी, लीनियर करंट डेंसिटी, बहुत बढ़िया। लीनियर का मीनिंग क्या है, लेंथ, बस समझ में आ रही है। तो ये बना आपका एम्पीयर पर मीटर, तो जहां पे आपका आई लिख रहा है वहां पे हम लोग क्या पुट अप करेंगे, बराबर, ठीक है, मतलब ठीक है चलो। तो इसको हम लोग एक काम करेंगे, डीआई को लिख लेता हूं आई इनटू डीएल, ठीक है। तो अब यहां से जो बना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, छोटी वाली मैग्नेटिक फील्ड डीबी जिसके दो कंपोनेंट बने, सर अब दो में से लेना कौन सा है, ठीक है। तो मैं छोटे से डीबी की वैल्यू पहले तो लिख लेता हूं, व्हाट इज दिस डीबी बेटा, डीबी का वैल्यू देखो स्ट्रेट कंडक्टर से कितना बना था, दैट इज म्यू नॉट अपॉन ट्वाइस पाई, करंट जो दिख रहा है करंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, दैट इज डी आई, क्योंकि मैंने डीबी लिया है तो यहां पे करंट भी क्या लेना पड़ेगा, डी आई डिवाइडेड बाय एक्स। अब ये एक्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा परपेंडिकुलर, यहां पे क्या लोगे, कितना लोगे डी आर, नहीं हाँ यहां पे गलती होती है, यहां पे आर नहीं आएगा बेटा, यहां पे आएगा अंडर रूट ऑफ That is R square plus S square. ऐसा कैसा हो गया, अरे ऐसा कैसा हो गया, आपका देखो करंट इधर फ्लो हो रहा है तो DL बार भी इधर होगा, DL बार को R कैसा है परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भूला करते थे हम लोग, ये डिस्टेंस नहीं लिया थे हम लोगों ने, ये डिस्टेंस लिए थे। अब देखो आपका DL अंदर है एक्चुअल में, समझ में आ रही, चलो मैं इसको नाम चेंज कर देता हूं, इसका मैं बोलूंगा एक्स, तो ये क्या बनेगा डीएक्स। तो करंट अंदर जा रहा, तो करंट एलिमेंट किधर होगा, अंदर, तो डीएल बार अंदर है, तो ये कौन रहा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप आर लोगे या अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स कर लो, ये गड़बड़ नहीं करने, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो न्यूमेरिकल बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, इसलिए तो अपना बच्चा क्या कर लेता है, अगर वो नीट का भी होगा JEE का पेपर देने जाएगा तो आएगा उसको 99.99 आने ही आने हैं, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्या हो गए, क्लियर, समझ में आ रहा, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो ये रहा आपका डीबी। अरे हाँ, अब डीबी के दो कंपोनेंट बने बेटा, एक कौन सा, दैट इज डीबी कौन सा, थीटा, डीबी साइन ऑफ थीटा। लेकिन हम लोग देखो यहां पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं कि दैट DB sin of theta get cancel out, ये cancel हो जा रहा है सर, कैसे, सेम DX के वजह से अगर सेम पोजीशन उसके अपोजिट साइड में देखो तो ये बनेगा उसका कोण परपेंडिकुलर, हां ये बनेगा DB, DB के दो कंपोनेंट, ये कोण DB cos theta और ये कोण नीचे
db cos थीटा db sin थीटा db sin थीटा लाइन ऑफ एक्शन में है क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा db cos थीटा db cos थीटा भले ही दो साइड में अपोजिट दिख रहे क्या वो लाइन ऑफ एक्शन में है लाइन ऑफ एक्शन का मीनिंग होता है ये db cos थीटा और ये db cos थीटा अब ये कैंसिल होंगे ऐसे कैंसिल हो सकते क्या बस समझ में आ गई तो db sin थीटा और ये db sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे और हर किसी का देखो यहां पे भी अगर आप एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे यहां पे क्या ले लो dx ले लो तो भी अगर आप dx लेते हो तो ये देखो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कंपोनेंट बनेगा db किधर बनेगा इधर व्हाट इज दिस db उसका ये वाला कौन सा db cos और ये वाला कौन सा इसका मतलब इसके वजह से सारे db cos थीटा किधर बन रहे इधर बन रहे उसी तरह से नीचे db cos थीटा इधर बन रहा स्टार्टिंग में मैंने वही लाइंस निकाल के दी थी कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर वाले में सारे इधर नीचे वाले में सारे इधर वर्टिकल सेक्शन वाले क्या हो गए कैंसिल हो गए बेटा कांसेप्ट समझ में बहुत बढ़िया तो हम लोग ऐसे बोलेंगे the db sin theta get cancel out and the db cos theta is effective only clear है तो मुझे बताओ that is b db net की value क्या रहेगी that db cos of theta लेंगे क्या लेंगे db net की value क्या लेंगे तो हमारे पास क्या सिर्फ dx है क्या पूरा क्या लेना पड़ेगा ले तो कौन सा component ले रहे हम लोग db cos theta db की वैल्यू पहले निकाल के रख दी हम लोगों ने बोल कितने दैट इज म्यू नॉट बाय ट्वाइस का इनटू di अब di के साथ जगह पे वैल्यू डाल दो बेटा di की वैल्यू कितनी दैट इज i इनटू dl की जगह पे हम क्या लेंगे अभी पहले तो क्या लिए थे dx को आप dx ले लो दैट इज i इनटू dx तो i इनटू dx बराबर बहुत बढ़िया इसको x लिए तो यू भी क्या बन जाएगा दैट इज x स्क्वायर ठीक है चलो उसके बाद अंडर रूट ऑफ हाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू कॉस थीटा यहाँ पे यूज करो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू व्हाट इज दिस कॉस थीटा हाँ एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस एडजेसेंट इज व्हाट आर बाय हाइपोटेन्यूस इज व्हाट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बहुत बढ़िया बराबर दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा अभी बेटा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करेंगे डीबी का इंटीग्रेशन बनेगा बी इज इक्वल टू जो जो चीजें कॉन्स्टेंट निकाल लीजिए बेटा म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई आई भी निकलेगा आर भी निकलेगा व्हाट इज दिस आर ये तो आपका जो दिख रहा है डिस्टेंस फिलहाल तो आपके शीट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है शीट के लिए वो क्या है कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि आप यहां पे ऑब्जर्व करना चाहते हो बराबर तो बचे दैट इज अंडर रूट ऑफ अंडर रूट का इंटीग्रेशन अब क्या बनेगा ऐसा बचा कौन सा दैट इज dx डिवाइडेड बाय हां r square plus x square. What is this r? Constant. What is this x? Function. Constant square plus function square. 1 by constant square plus function square. That is tan inverse. Integration में क्या होता है? That is tan inverse. Constant by function. या function by constant. क्या होता है? Tan inverse में होता है ना? तो क्या करेंगे? और यहाँ पे याद रखिएगा कौन सी चीज करेंगे? माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक बराबर इस साइड में हम लोग डीएक्स लेते गए पॉजिटिव डीएक्स इधर लेते गए नेगेटिव डीएक्स शेप पे से हमारी इनफाइनाइट तो क्या बनेगा बोलो फटाफट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई इनटू आई इनटू आर अब बोलिए दैट इज यहां पे आर कौन चीज है बोलिए वो नहीं है व्हाट इज दिस एक्स बराबर है दैट इज 1 बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन सॉरी r स्क्वायर का क्या बनेगा इंटीग्रेशन दैट इज 1 बाय r बराबर उसके बाद दैट इज tan इनवर्स ऑफ क्या रहेगा दैट इज x बाय r और लिमिट डालेंगे हम लोग दैट इज प्लस इनफिनिटी से लेके इनफिनिटी तक सॉरी माइनस इनफिनिटी तक क्लियर है चलो उसके बाद सो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू μ0 बाय twice pi into i bar i into r okay ye r aur r kya ho gaya cancel in bracket ha ek bar kaun sa limit put karenge aur ek bar to bolo yahan pe kya bach
पॉजिटिव माइनस टैन इनवर्स, क्या पुट अप करेंगे, माइनस इंफिनिटी, बराबर है, टैन इनवर्स इंफिनिटी, टैन इंफिनिटी का कब आती वैल्यू, टैन की कौन सा एंगल अगर पुट करते हो तो इंफिनिटी आती है, दैट इज 90, दैट इज पाई बाय 2। तो मुझे बोलो यहां पे बताओ बेटा b इज इक्वल टू कितनी वैल्यू रही, म्यू नॉट बाय 2 बाय इनटू r इन ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स माइनस इंफिनिटी इज व्हाट, माइनस पाई बाय 2, बराबर, तो कितना बनेगा, दैट इज म्यू नॉट बाय 2 बाय इनटू r पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इज कितना बनेगा, पाई पाई बाय 8, वैल्यू बन गई 1 बाय 2 म्यू नॉट इनटू r। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला किसके लिए, इनफाइनाइट शीट के लिए। अब मुझे बताओ वहां पे, बराबर है, वहां पे कहीं पे आपको डिस्टेंस दिख रहा है, तो आप लोग ऊपर जाओ या कितना भी नीचे जाओ उससे मतलब नहीं आएगा, जितनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उतनी बनेगी ही। तो ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रही है और उसका नाम है बेटा क्या, क्या ये करंट है, ये कौन है, करंट डेंसिटी, दैट इज करंट पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलो अब इसी कंसेप्ट को पकड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे, कौन सा एक क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इसको मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा, देखिए यहाँ पे दिया है कौन सी चीज, यहाँ पे दिए बेटा चार शीट दिए है, चारों भी शीट्स है हमारे कौन से, इनफाइनाइट शीट्स है, कौन से, इनफाइनाइट शीट्स, ठीक है। अब किसी शीट्स में करंट आपके क्या है, कहां पे जा रहा है, अंदर, किसी शीट्स में करंट कहां पे आ रहा है, बाहर, तो पहले शीट्स में देखो क्रॉस दिख रहा है, इसका मतलब करंट किधर जा रहा है, अंदर, इसमें आ रहा है बाहर, इसमें भी आ रहा है बाहर, इसमें अंदर जा रहा है, सभी शीट्स ओरिजिन से लेके देखो x एक्सिस y एक्सिस और ओरिजिन से लेके कितने कितने डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब एक एक डिस्टेंस पे है, और सभी शीट्स के करंट जो है वो एक तो कौन से पॉजिटिव z एक्सिस या फिर नेगेटिव z एक्सिस पे फ्लो हो रहा है, ये बात समझ में आई। चलो अब यहां पे और एक चीज दी बेटा, कौन सी, दैट इज ये i ट्वाइस i थ्राइस i फोर i, व्हाट इज दिस, दीस आर द लीनियर करंट डेंसिटी, तो इसकी वैल्यू है i, इससे डबल, तीन गुना पहले से और पहले वाले से चार गुना, ये दिया है सब की वैल्यू। और क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा कि आपका जो ग्राफ दिया, दैट इज ग्राफ नंबर ए, ग्राफ नंबर बी, ग्राफ नंबर सी, इसमें पूछा गया है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन With respect to distance, ये रहा क्वेश्चन, डिस्टेंस के हिसाब से, मतलब आप ओरिजिन से लेके इधर चलते चलो कितने दूर, दूर तक आपके एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस में चलोगे, पहले तक चलोगे ए, बाद में ए, फिर से ए, इधर चलोगे फिर आगे बढ़ोगे तो कितना डिस्टेंस चले, और आगे बढ़े कितना और ए डिस्टेंस, फाइव ए तक चले, बराबर है, तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा। अब देखिए एक शीट हुआ था तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हुई, कैसे रहेगी दोनों साइड में यूनिफॉर्म, बस समझ में, लेकिन इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसे बनेगी और उसको ये क्या अफेक्ट करेगा, यहां पे ये कैसा अफेक्ट करेगा, यहां पे ये कैसा अफेक्ट करेगा, ये हम लोगों को क्या करना है, चेकआउट करना है, समझ में आ रही बात। चलो तो पहले हम लोग एक 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 समझ लेंगे क्या क्या चीजें हैं, तो मैं इसको हम लोग जो ग्राफ दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग एनालिटिकल चलेंगे बेटा, ठीक है, पहली चीज जो डिस्टेंस दिख रहा है हम लोग एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, क्लियर, मान के चलो कि दिस एक्स दैट इज डिस्टेंस इज स्मॉलर देन ए, ये पहली चीज हम लोग निकाल रहे हैं, कैसा ये बोलो, एक्स इज स्मॉलर देन ए, इसका मतलब आप लोग कहां पे चेक कर रहे हो, इस रीजन में चेक कर रहे हो, क्लियर। तो मुझे बताओ यहां पे पहली चीज तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू पहले की वजह से कितना बनेगा, अब इसका देखो करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, r, बराबर, तो ये रहा आपका करंट, बाहर निकल के अंदर जाए, बराबर, ये रहा करंट कैसा होगा ऊपर, इसका मतलब यहां पे पहले के वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगी, ऊपर,
तो शीट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कितनी होती है, दैट इज म्यू नॉट बाय 2 आई। तो आई इसका आई है तो हम लोग लिखेंगे क्या आई। और एक चीज ऊपर के लिए हम लोग पॉजिटिव का इस्तेमाल करेंगे, अगर नीचे आए तो नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे। बात याद रहेगी, चलो आगे बढ़े। तो बी पहले वाले टोरी से बनेगा म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई प्लस या माइनस प्लस। क्लियर है? चलो दूसरे की वजह से ये रही शीट, कहां पे आ रहा करंट? बाहर इस पोजीशन पे, कैसा? नीचे। तो कितनी वैल्यू बनेगी? माइनस। नीचे आ रहा मतलब बोलो म्यू नॉट, और उसकी करंट डेंसिटी कितनी है? ट्वाइस आई बाय 2 बराबर। सर ये तो दूर है सर इससे, लेकिन मैंने पहले बोला डिस्टेंस से यहां पे फर्क नहीं पड़ने वाला, इनफाइनाइट शीट है हमारी, समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब थर्ड वाले का जैसे बोलो करंट किधर आ रहा है? बाहर। ये भी किधर जा रहा है? उस पोजीशन पे नीचे। तो वैल्यू कितनी रहेगी? माइनस 3 म्यू नॉट आर बाय 2 दैट इज थ्राइस आई। क्लियर? लास्ट वाला देखिए किधर जा रहा है? अंदर करंट ऊपर। इस पोजीशन पे देखिए, फोकस यहां पे करना बेटा आप लोगों को, इधर प्लस 4 म्यू नॉट आई बाय 2। सभी के डिनोमिनेटर सेम है तो सबकी वैल्यू बनेगी 2। ऊपर वाले का क्या बनेगा? एडिशन बोलो, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 4 0। इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 0। इसका मतलब पहला वाला ग्राफ में क्या आएगा? 0 पे आना चाहिए। कहां पे है? इसमें है 0, इसमें भी 0 दिख रहा है, इसमें भी 0 दिख रहा है। क्लियर? इसका मतलब 0 है तीनों के ग्राफ में, तो कोई भी हो सकता है, चेक करेंगे आगे। क्लियर है? अब देखो सेकंड केस में, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। तो सेकंड केस में बोलो क्या दिख रहा है आपको? कौन सी वाली कंडीशन है यहां पे? तो ये x की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? x कैसा होगा? दैट इज x इज ग्रेटर देन a, लेकिन स्मॉलर देन कितना? ट्वाइस है। ट्वाइस है क्यों लिया हम लोगों ने? यहां पे थोड़ी चेक करना हम लोगों को, इस पोर्शन में चेक करना है बेटा। ये रहेगी हमारी कंडीशन सेकंड वाली। क्लियर? तो बोलो कितना बनेगा? अब इसमें चेक करेंगे पहले वाले की वजह से। अब इसको फोकस छोड़िए, यहां पे फोकस डालेंगे हम लोग, ठीक है? बोलो करंट किधर जा रहा है? अंदर। इस पोर्शन में नीचे। करंट जा रहा है अंदर नीचे, नीचे जा रहा पहले वाले शीट की वजह से। तो नीचे के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? That is minus mu not I by 2. पक्का? उसके बाद आगे ये वाली शीट, बराबर? बोलिए ये वाली शीट की वजह से क्या बनेगा? करंट की वैल्यू कर रहा बाहर, ये नीचे क्या रहेगा? माइनस ट्वाइस mu not I by 2, सॉरी कितना रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है? उसके बाद हाँ बोलो आगे, ये वाले कौन से बचा अपना? थर्ड वाला। बोलो किधर आ रहा कारण? बाहर नीचे क्या रहेगा? माइनस 3 म्यू नॉट आई बाय 2। ये लास्ट शीट बची अपने, बोलो करंट अंदर ऊपर प्लस 4 म्यू नॉट आई बाय 2। तो बोलो माइनस वाले का एडिशन कर लो सभी का, नीचे का आ रहा कितना डिनोमिनेटर? 2। हाँ माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3, माइनस 3 कितना? माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 2 म्यू नॉट आई 2 की एक कितना रहा? माइनस म्यू नॉट आई कितना बचेगा? माइनस म्यू नॉट आई कहां पे दिख रहा? माइनस म्यू नॉट आई, ये तो अभी कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर चल रहा, देखो प्लस में दिखाई दे रहा है। ये पोर्शन की बात कर रहे थे, ये वाला एक ये वाला दोनों में दिख रहा था। एक तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? एक तो ए सी या फिर डी, ठीक है? फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है? चलो वो भी आपको सेम सेम दिखाई दे रहा है बेटा, क्लियर है? हाँ चलो लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे दिखाई दे रहा है कौन से पोर्शन में? यहां पे दिख रहा है 4 म्यू नॉट आई, यहां पे दिखाई दे रहा है 3 म्यू नॉट आई। रीजन कौन सा था बेटा बोलो? ये वाला डिस्टेंस कौन सा? 3a और 4a के बीच में, मतलब कौन सा वाला? ये वाला। अगर ये चेक कर लिए
और दोनों में से आपको मिल गया कोई तो बहुत बढ़िया। तो डायरेक्टली हम लोग इसको चेक करेंगे, क्लियर है? तो रीजन नंबर थ्री या फोर, 1 2 3 4 डायरेक्टली फोर्थ रीजन को चेक कर रहा हूं। तो यहां पे डिस्टेंस x की वैल्यू किससे बड़ी, दैट इज हाँ ये a a a से बड़ी, दैट इज थ्राइस a से बड़ी लेकिन 4a से छोटी। तो बोलो फटाफट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। हाँ, पहले शीट की वजह से, ये शीट करंट अंदर, ये रीजन पे बोलिए नीचे, तो क्या बनेगा म्यू नॉट I by 2 माइनस या प्लस, माइनस, बहुत बढ़िया। ये वाली शीट बोलो करंट किधर, बाहर, ये रीजन पे, ये बाहर ऊपर बराबर, दैट इज प्लस। ये वाली शीट कितना है, ट्वाइस, ट्वाइस म्यू नॉट I by 2, बहुत बढ़िया। ये वाली शीट बोलो करंट बाहर फिर से ऊपर, दैट इज प्लस 3 म्यू नॉट I by 2, बहुत बढ़िया। और ये शीट देखिए करंट भेज रहा अंदर ऊपर, ये ऊपर, ये रीजन पे देखो करंट यहां पे अंदर ऊपर, तो किधर प्लस 4 म्यू नॉट I by 2, सभी का डिनोमिनेटर सेम, तो रहेगा कितना बेटा 2, ऊपर रहेगा बोलो कितना 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 माइनस माइनस 1 कितना बनेगा 8 म्यू नॉट I 2 4 का, तो कितनी वैल्यू बनी 4 म्यू नॉट I, और 4 म्यू नॉट I का भी दिख रहा है इसी, क्योंकि यहां पे 3 म्यू नॉट I था, इसका मतलब आंसर ये रहेगा। आप एक बार चेक करके देखिए क्या ये जीरो बनता है लास्ट वाले में, मतलब कौन से रीजन में, ये वाले रीजन में, अगर बनता है जीरो इसका मतलब आंसर आपका सी है, अगर नहीं बनता है कुछ और आता है इसका मतलब नॉन डी है। तो फिलहाल तो आंसर में आपको बता के रख रहा हूं, दैट इज सी आंसर, समझ में आया? तो ये है पूरा कांसेप्ट किसका, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग थिंग इनफाइनाइट शेप, समझ में आया? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम लोगों को देखना बेटा, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सरफेस चार्ज रोटेटिंग डिस्क। इसका मतलब ये जो आपको डिस्क दिख रहा है ये पूरा का पूरा चार्ज डिस्क है, क्या है चार्ज। अगर ये चार्ज डिस्क अगर रोटेट नहीं हो रहा है इसका मतलब ये कि सारे चार्ज अपने अपने जगह पे फिक्स है बेटा, अपने एक मेक को क्या करके रिपेल करके। लेकिन मान के चलो ये डिस्क आपका जो है अगर ये रोटेट करने लगे इस तरह से, तो आपको एक बात समझ में आएगी, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर क्या कर रहा है रोटेट करना होगा, तो इसका मतलब इसके सरफेस पे बैठे हुए सारे चार्ज क्या कर रहे हैं, रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं रोटेशन परफॉर्म। अगर चार्ज रोटेशन परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब ये कि इमेजिन करिए कि अगर यहां पे एक चार्ज बैठा है प्लस क्यू, ये क्या कर रहा है बेटा बोलो, इस तरह से क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, और ये क्या करना चाहता है बोलो, जैसे कि अगर एक मैंने एक सिंगल वायर लिया, उस वायर की क्या बनाई एक सिंगल टर्न की कॉइल बनाई, उस कॉइल में अगर मैंने बोला कि करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो होना मतलब क्या फ्लो होना, चार्जेस का फ्लो होना, फ्लो इन द सेंस चार्जेस का क्या करना रोटेशन परफॉर्म करना। भले ही यहां पे एक कॉइल नहीं है, पूरा का पूरा सरफेस बैठा है, लेकिन क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसके सराउंड रोटेशन में क्या परफॉर्म हो रहा है, चार्ज क्या कर रहा है रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से हमारे सिंगल कॉइल में हमारे चार्जेस क्या कर रहे थे रोटेशन परफॉर्म कर रहे थे, और जब चार्जेस रोटेशन परफॉर्म करेंगे या फिर रोटेशन में आपका करंट फ्लो होगा, तो उसके सेंटर पे क्या बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, और उसका फार्मूला हम लोगों ने किसके लिए सर्कल के लिए निकाल के रखा था, दैट इज बी इज इक्वल टू कितना था बेटा बोलो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू इन टू आई बाई आर, आर इज व्हाट रेडियस। ये एक सिंगल कॉइल के लिए, सिंगल टर्म वाले के लिए निकाला था हम लोगों ने, आपको याद होगा सेंटर पे। उसी तरह से हम लोग अभी क्या निकालने वाले, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां पे सेंटर पे हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं, कहां पे जिसका रेडियस कितना है बेटा आर, और जो पूरा का पूरा डिस्क क्या कर रहा है रोटेशन परफॉर्म कर रहा है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब हमको ये वाला कांसेप्ट पता है सर, ये वाला मतलब कौन सा सिंगल रिंग का, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है सरफेस बैठा है, पूरे सरफेस पर क्या है चार्जेस, अब ये सारे चार्जेस क्या करेंगे एक में को रिपेल होके पूरे के पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, क्या है यूनिफॉर्मली, जो कंसेप्ट हम लोगों ने कहां पे पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा,
याद होगा आप लोगों को बराबर। तो इमेजिन करिए यहाँ पे एक चीज कि अब हम लोग एक काम करेंगे बेटा, रिंग के तरह यहाँ पे हम लोग इमेजिन करेंगे एक इस तरह से इतना छोटा सा एक रिंग दिख रहा है, कितना छोटा सा, इतना छोटा सा, क्लियर, जिसके सेंटर से लेके इसका रेडियस बेटा मान के चलो y लेंगे और इसकी विड्थ कितनी लेंगे हम लोग, इसकी विड्थ मान के चलो dy विड्थ लेंगे, क्लियर है। तो ये रहा आपका कौन, एक रिंग हम लोगों ने इमेजिन किए और इस रिंग का रेडियस कितना रहा y। तो मुझे बताइए ये जो y है कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जीरो से, और कहां तक ये रिंग्स बनते जाएंगे, देखो रिंग से रिंग से रिंग से रिंग 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 मिलके क्या बनेगा, पूरा का पूरा डिस्क बनेगा। लेकिन हमको कॉन्सेप्ट कौन सा पता है सर, रिंग का पता है, मतलब रिंग का इन द सेंस किसका पता है, सर्कुलर बॉल का पता है, बस समझ में आई। अब इसमें जो चार्जेस बैठे बेटा कितने से पोर्शन में, इतने से पोर्शन में, वो चार्जेस कितने मान के चलेंगे हम लोग, डी क्यू, पूरे सरफेस के ऊपर कितने चार्जेस है बेटा, क्यू, दैट इज टोटल चार्जेस। अब ये जो क्यू है वो अलग चीज है, ये डी क्यू क्या है, अलग नंबर शो करता है, लेकिन एक नंबर नहीं बदलता, उसका नाम है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका हम लोगों ने यूटिलाइज किया था कहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, क्योंकि आपके सरफेस में चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, जिसकी डेंसिटी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो हम लोग ऐसे मानेंगे कि यहां की डेंसिटी, यहां की डेंसिटी, यहां की डेंसिटी, या फिर ये जो रिंग दिख रहा है एनुलर रिंग, इसके ऊपर बैठे हुए चार्जेस की डेंसिटी कैसी मानी जाएगी, सेम। तो इस चार्ज डेंसिटी को, सरफेस चार्ज डेंसिटी को याद होगा आपको किससे डिनोट किया था, सिग्मा, कौन सिग्मा, सिग्मा, व्हाट इज दिस सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, बराबर। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, That is dQ by dA. तो ये dA किसका एरिया लेंगे हम लोग, ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है इसका एरिया लेंगे बेटा। तो हमको बताइए सिग्मा की वैल्यू कितनी बनेगी, dQ divided by, निकाल लो, बोलो dA की वैल्यू कितनी, इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया बोलो, इसका सर्कमफेरेंस इनटू इसका विड्थ, यही बनेगा एरिया। अगर इसको मैंने सीधा किया इस तरह से तो ये क्या बनेगा, इस तरह से रॉड बनेगा, अगर रॉड बनेगा तो ये इसका क्या लेंगे हम लोग, विड्थ, दैट इज dy, और इसकी लेंथ कितनी बेटा, इसका सर्कमफेरेंस कितना है, तो सर्कमफेरेंस कितना, दैट इज 2 पाई r, आर नहीं 2 पाई r, 2 पाई y * dy इज व्हाट, दिस इज एरिया ऑफ दिस रिंग, बराबर। तो मैंने लिख लिया कितना, बोलो दैट इज 2 पाई y * dy। अब हम लोगों ने किया क्या, dq को निकाल के रख दिया, क्यों निकाल के रखना है हम लोगों को, अब आगे जाके काम आने वाला, देखो सिग्मा इंटू टू पाई वाई इंटू डी वाई, बहुत बढ़िया, क्लियर है, चलो आगे। ये इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन करके लिख लिया है, क्लियर। अब और एक चीज निकाल के रखना चाहता हूं जिसका नाम है बेटा करंट, क्या निकालना पड़ेगा, करंट। सर क्यों करंट निकाले, क्योंकि ये जो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक रिंग के लिए, एक ऑयल के लिए, तो यहां पे क्या है, करंट, अरे हाँ या ना, और एक करंट देखिए कौन से चीज पे डिपेंड करते हैं, किसी भी वायर में हम लोग करंट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या चीज सीखे थे, I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है करंट का मैग्नीट्यूड। तो यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है नहीं, लेकिन है कौन, एंगुलर वेलोसिटी, चार्जेस जो आपके रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं वही रोटेशन है जो आपका डिस्क शो कर रहा है। इसका मतलब यहां पे याद रखना बेटा, दैट करंट फ्लोइंग ये किसका होगा, दैट इज चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। तो चार्जेस आपके कितने, बोलो दैट इज डी क्यू, करंट कितना रहेगा डी आई, बराबर है ना। अब बोलो फ्रीक्वेंसी क्या मानेंगे आप लोग, ओमेगा के फॉर्म में बोलिए कितना बनेगा, तो पाई ओमेगा, इतना रहेगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं पता आप लोग, यस दैट इज ओमेगा बाय वाइस पाई, समझ में आया। तो आपकी वैल्यू कितनी बनी, डी आई की, डी क्यू इंटू ओमेगा बाय टू पाई,
ये रहा ओमेगा के फॉर्म में आपकी किसकी करंट की वैल्यू, समझ में आया। तो अब आगे बढ़ेगी बेटा इसमें, चलो ये तो रहा करंट, अब मुझे बताइए पूरे डिस्क के वजह से बी छोटे से रिंग के वजह से मतलब ही छोटे कॉइल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी दैट इज डीबी वैल्यू क्या रहेगी। इससे हम लोग निकालेंगे, बोलो कितना बनेगा, म्यू नॉट बाय 2 इनटू आई के जगह पे डी आई बाय आर के जगह पे क्या लिखेंगे बाय। अरे हाँ या ना, चलो अब बोलो यहां पे डी आई की वैल्यू कितनी, दैट इज म्यू नॉट बाय 2 इनटू डी आई की वैल्यू है डी क्यू इनटू ओमेगा बाय ट्वाइस पाई। सर डी क्यू की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल के रखी है सिग्मा के फॉर्म में बेटा, तो बोलो कितना बनेगा म्यू नॉट बाय 2 इनटू बोलो सिग्मा ट्वाइस पाई बाय इनटू डी वाई इनटू बचा हुआ ओमेगा होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई ट्वाइस पाई ट्वाइस पाई। ये बहुत बढ़िया, बराबर है, और कुछ बचा है ना, बाकी कुछ नहीं बचा यहाँ पे, कौन सा, हाँ ये जो y बचा यहाँ पे आ जाएगा y और ये y y भी क्या होगा कैंसर, ठीक है। चलो अब ये बना है आपका कोण db, db का करेंगे इंटीग्रेशन, तो इस साइड में भी क्या करेंगे इंटीग्रेशन, दो चीजें कांस्टेंट निकाल लीजिए म्यू नॉट सिग्मा इनटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन कहां से लेंगे आप, ये को यहां से कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जीरो से कहां तक कितना रेडियस रहेगा r, तो जीरो से लेके r तक आप लोगों ने क्या किया इंटीग्रेट किया, अंदर क्या बचा है सिर्फ बेटा dy बचा है, क्या बचा है dy बस। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा इनटू ओमेगा बाय 2 और dy का इंटीग्रेशन बनेगा ओनली y, ऊपर लिखेंगे हम लोग r नीचे रखेंगे 0 और ये फार्मूला आपको मिलता है b इज इक्वल टू 1 बाय 2 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा इनटू r। बहुत बढ़िया, तो ये रहा आपका फार्मूला इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। इसका मतलब ये कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कौन-कौन से चीजों पे डिपेंड कर रही है बेटा, आपके रेडियस, आपकी एंगुलर वेलोसिटी और आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी। जितनी आपके सरफेस के ऊपर चार्जेस ज्यादा से ज्यादा एक्युमुलेट आप करोगे उसकी डेंसिटी बढ़ेगी और उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। जितनी स्पीड से आप क्या करोगे रोटेशन परफॉर्म करोगे जितना ओमेगा ज्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, और ओमेगा इफ सपोज हम लोगों ने जीरो कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी जीरो। और याद रखना बेटा इस कंसेप्ट को हम लोग फिर से एक बार इस्तेमाल करेंगे कहां पे, ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में ईएमएफ निकालने के लिए किसी भी। देखो यहां पे एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर आपके करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो उसका रिवर्स फेनोमेनन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो क्या बनेगा करंट बनेगा, समझ में आ रहा, यही फेनोमेनन को आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। सर ये फॉर्मूले को हम अलग तरीके से लिख सकते बेटा, सिग्मा की वैल्यू क्या है हम लोगों ने ठीक किया बेटा, चार्जेस अपॉन एरिया, तो छोटा चार्ज बाय छोटा एरिया। अगर पूरे सरफेस के ऊपर अगर डेंसिटी बोले तो डेंसिटी चेंज होती है क्या, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्जेस बाय एरिया, पूरे आपके डिस्क का एरिया कितना बनेगा दैट इज पाई आर स्क्वायर। अगर ये पाई आर स्क्वायर बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 1 बाय 2 टाउ वैल्यू दैट इज म्यू नॉट इनटू सिग्मा के जगह पे रहेगा आपका कितना U by pi r square into omega into r, तो ये r से r cancel, तो b की value बनी 1 by 2 mu naught U omega by pi r, या फिर आप लोग इसको twice by r करके भी लिख सकते हो, ये भी आपको बड़े-बड़े reference books में दिखाई देगा इस तरह से formula, ठीक है, बस समझ में आई। सर दोनों में कंपेयर करेंगे तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा सर, ये यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है बेटा, रेडियस यहां पे जैसे-जैसे बढ़ेगा तो क्या और चीजें बढ़ेगी, तो क्या करेगा दोनों को बैलेंस करेगा बेसिकली, क्या बढ़ेगा चार्जेस बढ़ेंगे ना, अरे अगर आपका आर बढ़ेगा तो क्यू भी बढ़ेगा, बस समझ में आ रही है। इसका मतलब ये बेसिकली कौन से दो चीजों पे अहम भूमिका निभाता है, दैट इज सिग्मा और ओमेगा,
समझ रहा है, तो ऐसे मोस्ट कंफ्यूज हो जाएगी कि आपका आर और इसके ऊपर यहां पे डायरेक्टली दिख रहा है या फिर इनवर्सली दिख रहा है। तो दो चीजें रहेंगी, दैट इज ओमेगा और आपका सिग्मा। समझ में आई? तो अगर मैंने आर को बढ़ाया, इसको बढ़ाएंगे तो चार्जेस भी बढ़ेगा, तो ये दोनों भी चीजें क्या होंगी, बैलेंस हो जाएंगे। तो याद रखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, इसमें इनवर्सली नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी कौन सी, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सरफेस चार्ज रोटेटिंग डिस्क, क्लियर है। चलो